हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं डियर अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को गाइस एक जनरल कलेक्टिव और टाइम्स रीडिंग है सो so, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा आन ये रीडिंग मारिड अनमारिड मेल फीमेल सभी जोड़िए साइंस के लिए जो कि स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर्स वक्त में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं चलिए देखते हैं हम सो फोकस कीजिए गाइज अपने पर्सन की एनर्जीज पर देखते हैं हम क्या निकल कर आता है यहाँ पे आप अपने पार्टनर का जरूर नाम लीजिए और एंजल्स से हम कोशिश करेंगे पूछने की हरी हरा से कोशिश करेंगे पूछने की कि वो बताएं कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है यहां पता है किसी को कोई मैसेज सुनने की जरूरत है यहां कुछ इस तरीके का मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस कि आ, अभी मतलब कुछ समय पहले ही या फिर ये थोड़ा और ज्यादा समय हो सकता है आपके जो पर्सन है उनके सामने शायद आपने हाथ जोड़े थे पता नहीं किसके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है बट ये आप सुन, सुनिए पहले तो आई थिंक आपने उनसे ये बोला था कि ऐसा मत करो प्लीज ऐसा मत करो मेरे मेरे साथ ऐसा मत करो आई थिंक आपने इस पर्सन को लेकर यू नो कनेक्शन को लेकर इस पर्सन से कहा था कि आप मेरे साथ ऐसा मत करिए आप मेरे साथ कनेक्शन मत तोड़िए प्लीज़ मैं आपके साथ कनेक्शन में रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद यू नो आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आई थिंक आपको ये बोल दिया था कि इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते ये इनको मतलब बहुत सारे लोगों की रिस्पांसिबिलिटी उठानी है मतलब बहुत काम है इनके पास ये आ, 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 आपके आपके लिए ये सब नहीं कर सकते हैं या फिर ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं अभी कुछ समय पहले आई थिंक इस पर्सन ने आपसे ये बात बोली हो सकती है ठीक है ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते और जस्ट आपको मैं ये देख रही हूँ कि बिल्कुल अकेला कर दिया और आपने हाथ भी आई थिंक इस पर्सन के आगे जोड़े थे कि आप आप कुछ मांग रहे थे इस पर्सन से या फिर आपको चाह रहे थे इस पर्सन से जो इस पर्सन ने जिम्मेदारियों का यू you नो know, एक वो दे दिया कि मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती ठीक है तो यहां पर मेरे को ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे यूनिवर्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि इस पर्सन के ऊपर यूनिवर्स ने जिम्मेदारियां और डाल दी ठीक है मतलब कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि यू you नो know, आप कहते हो ना जैसे कोई चीज आपने सु, सुनी होगी कि हम ये कहते हैं ना कि अरे यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं हमारे पास तो भगवान ने हमें बहुत कम दिया है तो जैसे वो ईश्वर सुन सुन लिया ईश्वर ने और कहा अच्छा तुम्हें तो कम मिला है तो ठीक है तो जो तुम्हारे पास था वो उसमें भी कमी कर दी आपने कई बार ऐसे सुना होगा कि मतलब पूरे दिन में एक बार माँ सरस्वती आपके जिहा पर बैठती हैं ठीक है तो कुछ भी बोलते हैं तो वो सच हो जाता है तो जैसे कुछ लोग अपना रोना रोते रहते कि मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है ईशो ने मुझे ये कम दिया वो कम दिया तो जब आप इस तरह की बातें बोल रहे होते तो ना यूनिवर्स सुन रहा होता है तो वो कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास कम है ओके फाइन तो वो कहीं ना कहीं और चीज में कमी कर देता है तो वैसा कुछ यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि जैसे जितनी चीजें जितनी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में है नहीं लेकिन फिर भी आप जैसे उन प्रॉब्लम्स का रोना रोते हो जैसे मान लीजिए आपको इतनी गहरी चोट लगी नहीं जितनी गहरी चोट आपने बता दी कि मेरे को इतनी गहरी चोट लगी इतना दर्द हो रहा है तो जैसे आपको उतना ही दर्द और होने लगा ठीक है कुछ वैसा मैसेज ओके पर सी लेटर निकल कर आ रहा है इस पर्सन को ना लगातार जैसे एंजल्स गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है एक तरीके का इंसान होता है ना जो वो ये कहता है कि क्यों मेरा क्या हक नहीं है क्या खुशियों पे ठीक है वो अपनी लाइफ में अपने आप को आगे निकालने के लिए कुछ स्टेप्स लेता है अपने अपनी लाइफ में अपने को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स लेता है लेकिन ये पर्सन जैसे ना मतलब जो भी आ रहा है जिम्मेदारी आ रही है तो एकदम जैसे उठाए जा रहे हैं जैसे पूरा सबका पूरा दुनिया का ठेका इस पर्सन ने ले लिया हो कुछ ऐसा मुझे यहां पर मैसेज मिल रहा है इस पर्सन की जो साइकिक पावर्स हैं वो भी इस वक्त में बढ़ रही हैं इस पर्सन के इंट्यूशन इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं पर मेरे को अभी भी मैसेज ऐसा मिलता है कि इंट्यूशन की ना सुनकर लॉजिकल माइंड की सुनी सुनी जाती है इस पर्सन के थ्रू मतलब आपके लॉजिकल माइंड और आपके इंट्यूशंस में क्या डिफरेंस है या फिर हम इनके बीच में डिफरेंस कैसे करें या कैसे पता करें कि जो बात हमारे दिमाग में आ रही है वो इंट्यूशंस बोल रहे हैं या फिर लॉजिकल माइंड इसकी प्रैक्टिस आपकी हंड्रेड परसेंट तरीके से होनी चाहिए ओके okay? <coughs> इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे साथ इतनी सारी चीजें जुड़ी हैं कि सब बर्बाद हो जाएंगी मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि अगर वो जिनके लिए भी कर रहे हैं जिनसे भी जुड़े हुए अगर मैं उनके लिए नहीं करूंगा ठीक है तो उनको ऐसा लगता है कि सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी और दूसरी तरफ ये पर्सन जब आपको देखते हैं तो इनको बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट फील होता है कि आप इतनी भीड़ में भी ना अकेले अभी भी इस पर्सन की तरफ देख रहे हैं जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये किस तरीके का इस पर्सन ने जस्टिस किया ठीक है कि कोई इंसान है जो भरी आंखों से उसकी तरफ देख रहा है अकेला खड़ा है ठीक है और जैसे इस पर्सन के पीछे पूरी फौज खड़ी हुई है मतलब ये पर्सन ऐसे देख रहे हैं कि आप अकेले खड़े हुए और आप अकेले इस पर्सन की तरफ देख रहे हो कि क्या तुम मेरे कुछ भी नहीं करोगे या करोगी एंड ये पर्सन ये देख रहे हैं कि इनके साथ तो इतने सारे लोग जुड़े हैं तो ये आपके लिए अगर कुछ करें तो कैसे करें ऐसा कुछ यहाँ मैसेज निकल कर आ रहा है यहां पर ऐसा भी मैसेज एक किसी भी तरह से ये पर्सन आपको चीट नहीं करना चाहते एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है डीएम की कि ये कभी भी झूठी उम्मीद नहीं देते हैं कभी भी झूठी उम्मीद नहीं देते आप झूठी उम्मीद लगा लो वो एक अलग चीज है लेकिन ये झूठी उम्मीद देते नहीं हैं। मतलब अगर इनके मन में कमिटमेंट होगी तो बोलेंगे कमिटमेंट अगर इनके मन में कमिटमेंट नहीं होगी तो ये सीधा कमिटमेंट के लिए मना कर देंगे ठीक है मतलब कमिटमेंट uh, की बात ही नहीं करेंगे या फिर उसकी बात सुनकर भाग जाएंगे ठीक है लेकिन ये आपसे ये कभी नहीं कहेंगे कि आपसे बोले कि नहीं कमिटमेंट 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 और लास्ट टाइम पर आपको धोखा दे दें ठीक है अगर इनके मन में होगा कमिटमेंट तो ही ये कमिटमेंट बोलेंगे अगर नहीं होगा तो ये बोल नहीं सकते हैं मतलब झूठी आशा नहीं देते हैं ठीक है यहां पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि जितनी जितनी दुखी दुख मतलब जितनी भरी आंखों से या दुखी मन से आप इस पर्सन की तरफ देखते हो ना उतनी दुखी मन से उतनी भरी आंखों से ये पर्सन प्रभु की तरफ देखते हैं ठीक है तो जैसे यहां पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे कि क्या बोलते हैं जब आप इस पर्सन की तरफ देखते हो तो ये पर्सन कह देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो जैसे ही ना ये पर्सन ईश्वर की तरफ देखते हैं ईश्वर भी जैसे इनसे कह देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता ठीक है मतलब यहां पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रही है कि जैसे आप इस पर्सन के आगे झुके हो अपनी चीजों के लिए वैसे ये पर्सन झुके हैं ईश्वर के आगे ठीक है तो जब ईश्वर कह रहे हैं कि जब वहां से तुम तो वहां कुछ नहीं कर सकते हो तो हम तो वहां लिए कैसे कुछ कर सकते हैं कुछ ऐसा यहां पर मैसेज आ रही है बहुत अटपटा मैसेज था बड़ा ही डिफरेंट मैसेज था बट यहां पर निकल कर आ रहा है ठीक है मतलब कुछ यहां पर ऐसा मैसेज है कि आपका पार्टनर चाहता है कि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो जैसे आपके पार्टनर से यूनिवर्स के द्वारा ये कहा जा रहा हो कि आप वहां की प्रॉब्लम पहले सॉल्व करिए ठीक है आप वहां पर कुछ भी क्लोज करके नहीं आए थे ठीक है <clears throat> इस पर्सन को कभी भी ऐसा नहीं लगा लाइफ में कि इस पर्सन ने कुछ गलती की है कभी किसी का बुरा किया है ये पर्सन हमेशा अपनी नजरों में बड़ी क्लीन चिट रहे हैं डियर लेकिन आपके केस में जब भी ये पर्सन देखते हैं तो इस पर्सन को इतना भारी गिल्ट होता है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा चीटर नहीं है कोई मतलब इस पर्सन को ऐसी एनर, एनर्जी अपनी अंदर फील होती है कि इन्होंने ना मतलब जैसे कोई होता है ना कि अपनी नजरों में बहुत साफ सुथरा है लेकिन वो कभी कभी जब आपकी तरफ देख लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी नजरों में साफ सुथरे नहीं है क्योंकि यहां पर उन्होंने कुछ ऐसी गलती की है जो माफी लायक नहीं है ठीक है सो कुछ वो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि मतलब कहीं पर भी ये पर्सन को आप अपने नजरों में ये पर्सन गलत नजर नहीं आते लेकिन आपके केस में ये पर्सन अपने आप को कभी भी सही नजर भी नहीं आते ठीक है जैसे अपनी ही नजरों में जैसे ये पर्सन को बड़ा ही मतलब गिल्ट फील होता है बड़ा ही गलत सा फील होता है ऐसा यहाँ पर मैसेज है यहाँ पर सिक्सटी वन नंबर आया है सिक्स और वन सिक्सटी वन यहाँ पर नंबर आया है सेवन ठीक है या फिर ये कोई ऐसे 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 पार्टनर हो सकते हैं आपके जिनके जिन जिनको ना मतलब बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि या फिर ये इस तरीके का मैसेज आया कि सेवन इस पर्सन की बर्थ डेट है या फिर ऐसा है कि ये पर्सन काफी स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं ठीक है एक देखिए की गाइस आपको बहुत सारी चीजें स्पिरिचुअल बनाती हैं कई बार आपके अंदर आ... जब आपको बहुत दुख मिल जाता है तब तो आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं जब आप किसी के बहुत स्ट्रांग लव में होते हैं तब भी आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं ठीक है जब आपने किसी के संग स्ट्रॉग स्ट्रांग गल, गलती कर दी है या फिर बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में जब भी आप चले जाते हैं आप इतने गलत हैं नहीं इंसान लेकिन आपसे कोई गलती हो गई और वो गिल्ट आपको वो भी ईश्वर की तरफ ले जाता है आपको क्योंकि वो गिल्ट आपको जीने नहीं देता तो मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए शायद वो रीज़न आप ही हैं क्योंकि ये पर्सन जब भी बहुत ज्यादा गिल्ट में जाते हैं तो ऐसा नज़र आता है जैसे काफ़ी ज्यादा ईश्वर की तरफ देखते हैं और माफिया मांगते हैं कुछ ऐसा यहां पर मैसेज है यहाँ पर एस लेटर भी निकल कर आ रहा है इस पर्सन की एनर्जी में एक चीज फील हो रही है कि पर्सन की उम्मीदें जैसे खत्म हो चुकी हैं लाइफ को लेकर या फिर यू नो जिंदगी को जीने को लेकर इस पर्सन की खास कोई उम्मीद मुझे नजर नहीं आती है ठीक है बस ये है इस पर्सन को कि जो लोग भी साथ में हैं जैसे भी हैं बस वो खुश बने रहें ऐसा इस पर्सन का मानना है ये पर्सन आपकी भी बहुत ज्यादा खुशियां चाहते हैं ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि ये चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा खुश रहें हैप्पी रहें ठीक है जिसके साथ भी रहें बट हैप्पी रहें ऐसा कोई है यहां पे यहाँ पर कुछ लेटर्स निकले हैं यहां पर लेटर निकला है वी यहां पर लेटर निकला है टी ठीक है यहां पर लेटर है पी ये पर्सन कुछ ऐसा ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी भी मजाक मजाक में भी गलत शब्द मुंह से नहीं निकालने चाहिए ठीक है जैसे इस पर्सन ने हो सकता है कि वास्तव में कोई गलत शब्द मुंह से निकाल दिए हों कुछ भी ऐसा निकाल दिया हो जैसे पर्सन यहाँ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि गलती से भी कभी भी कितने भी गुस्से में हो लेकिन गलत शब्द मुंह से नहीं निकालने चाहिए उनका जो प्रभाव है वो कैसा पड़ सकता है आप सोच भी नहीं सकते तो कुछ ऐसा यहाँ पर पर्सन मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप कई इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज्यादा चलते हो लेकिन आपके साथ ना चीजें ऐसे

गलती की है ठीक है गलती तो आपसे हुई है वो तो एक अलग चीज है लेकिन गलती ना इस पर्सन को खुद ही अंदर से बहुत ज्यादा खाली दे रही है ऐसा यहाँ पर कुछ मैसेज निकल कर आ रहा है चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं ओके okay. प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं गाइज यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज निकल कर आ रहा है यहां पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल कर आ रहा है ये थ्री ऑफ कप्स के नीचे नाइन ऑफ वस की एनर्जी ये पर्सन ना ऐसा सोच रहे हैं आज के दिन में कि इन्होंने ये जो भी काम किया था या जिस भी थर्ड पार्टी को आपके लाइफ क्योंकि थर्ड पार्टी तो है गाइज ठीक है यहाँ पर दो दो क्वीन्स की एनर्जी आपको दिख रही होगी क्वीन ऑफ वस है और क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो जैसे यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं उन्होंने ना कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को इसलिए नहीं लाया था अपनी लाइफ में क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा चाह रहे थे वो उनको अपनी लाइफ में लेकर आए थे आपको दिखाने के लिए दिखावा करने के लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ शो करने के लिए शो ऑफ करने के लिए ठीक है जैसे होता ना कि ये पर्सन आपको दिखाना चाहते थे थर्ड पार्टी ये पर्सन आपको दिखाना चाहते थे लिटरली यही मैसेज है ओके okay, सो so ये पर्सन आपको दिखाने के लिए लेकर आए थे ओके okay, फाइन यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत शांति के साथ और बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ उस थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से देखा मतलब क्या है देखिए मेरे को यहां पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे ये पर्सन अपनी लाइफ में अपनी किसी एक्स को लेकर आ गए या फिर किसी इंसान को लेकर आ गए आपको दिखाने के लिए और उसके साथ फिर सोशल मीडिया पर इस ने पिक्चर्स अपलोड की या फिर यू you नो know, आपको पिक्चर्स ऐसे भेजी जैसे यहां पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपने इस पर्सन को बहुत ही ज्यादा ठंडा रिस्पॉन्स दिया कुछ लोग कैसे कमेंट सेक्शन में कभी कभी ऐसा लिखते हैं कि मैम मेरा पार्टनर आ, मुझे दुखी देखकर बहुत खुश होता है तो मैंने कहा ऐसी खुशी अपने पार्टनर को देनी क्यों है ठीक है मैं तो ये सोचती हूँ कि जो भी इंसान आपको जैसे देखकर खुश हो रहा है ना उसको ऐसी ऐसी खुशी नहीं देनी ना किसी को ठीक है अगर वो इंसान आपको दुखी देखकर खुश हो रहा है तो आप उसे वो खुशी मत दो आप खुश होकर दिखा दो ठीक है तो आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को खुश होकर दिखाया है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आप आई थिंक हो सकता है आपको इस पर्सन के आने के पहले ही टैरो रीडिंग मिल गई या फिर आपको टैरो रीडिंग ने संभाली क्योंकि बहुत सारे लोग इस एनर्जी में चले जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि ये क्या हो गया तो यूनिवर्स को पता होता है कि आप कुछ ऐसी एनर्जी में जा सकते हैं जहां आप खुद को नहीं संभाल पाएंगे उसके पहले ही कहीं न कहीं वो आपको ऐसी जगह तक पहुंचा देते हैं जहां पर आपको फुल ऑन गाइडेंस मिल सके ठीक है और आप अपने आप को कंट्रोल या स्टेबल कर सकें और इस चीज से काफी सारे लोग यहां पर एग्री करने वाले हैं ठीक है तो कहीं ना कहीं आपने जब इस थर्ड पार्टी को देखा तो आपने उस चीज पर उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं किया जैसे आप करते थे या फिर जैसे आप कर सकते थे ठीक है कहीं ना कहीं आपने बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया इस पर्सन को और ये पर्सन का जैसे वो कहते ना कि एक प्लान था आपको दिखाने का दिखावा करने का वो धरा का धरा रह गया एंड उस समय पर आपने फोकस देख मतलब उस समय आपका फोकस था थर्ड पार्टी पर आपने चीजों को देखने की कोशिश की लेकिन आपने कोई ज्यादा वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी रिएक्शन आपका नहीं था उस तरीके का आपने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया और बहुत ही स दिया एंड उसके बाद आप बिजी हो गए अपने आ, करियर पे ठीक है उसके बाद आप बिजी हो गए अपने करियर में एंड ये पर्सन जैसे पीछे से आपको देख रहे हैं और ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हो गए अकेले यानी अकेले का मतलब हो गया कि ये पर्सन पड़ गए अकेले और क्योंकि आपको यहां पर ऊपर नजर आ रहा होगा थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है ये पर्सन पड़ गए उसके साथ अकेले अब ये पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं और आप कहीं कही ना कहीं करियर में बिजी हो चुके हैं अपने तो कुछ ऐसा सिनेरियो है का इसके कुछ चीजें ना इंसान दिल से नहीं कर रहा होता है ठीक है लेकिन क्योंकि उसका ईगो सेटिस्फाइड करना है उसको तो उसे दिखावा करना है ठीक है कई बार क्या होता है ना जब आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग लड़ाई हो गई ठीक है अब आपके बीच में लड़ाई हो गई तो सामने वाला ये सोचता है कि वो आपसे अच्छा आपको लाकर दिखाए ठीक है थीके? वो एक कहते हैं ना जलन जलन फील करवाना जलसी फील करवाना ठीक है आपको जलाना बेसिकली इस पर्सन का मोटिव वही था लेकिन लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि जब मैंने कई बार ऐसा बताया कि जब आप कुछ चीज थ्रो कर रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जब आप थ्रो कर रहे हो तो वो ऐसा ना हो कि वो पलट के आपको भी आकर पड़ा जाए मतलब जैसे किसी का सर फोड़ने के लिए आपने पत्थर उठाया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसी पत्थर से आपका भी सर फूट जाए ठीक है ये बहुत अलग और गंदा एग्जाम्पल था बट आई एम सॉरी यही मेरे दिमाग में आया ठीक है तो मतलब वही एनर्जी है यहां पर वही मुझे नजर आई क्यों क्यों आया पता है मुझे ऐसा क्योंकि देखिए इस इंसान के सर के ऊपर ना पट्टी बंधी हुई है जैसे तो इस तरीके का मैसेज है ये कि मतलब आ, ये पर्सन आपको जलाना चाहते थे बट यहाँ पर आ रहा है टेन ऑफ शॉर्ट्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स पर राइट नाउ इस पर्सन की एनर्जी ऐसे हो चुकी है कि इस पर्सन को मतलब जैसे खुद ही घायल हो चुके हैं पूरी तरीके से एंड पूरी तरीके से जगलिंग करते जा रहे हैं तो ये चीज़ ना इस पर्सन को बड़ा गिल्ट में डालती है एक तो ये गिल्ट कि इन्होंने जो आपके साथ किया दूसरा अगर जैसे आपके साथ जो किया वो किया अगर अपनी लाइफ में बहुत खुश होते तो भी ठीक था तो भी सिर्फ ये था कि चलो आपके लिए प्रे कर सकते थे लेकिन यहां पर ना पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको आपके साथ किया तो किया वो तो एक अलग गिल्ट है इस पर्सन की लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं हुआ ना ठीक है इस पर्सन की लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो जाता तो इंसान एक बार को ना इतना देखता ही नहीं है कि आ, सामने वाले के लिए मैंने क्या किया जब इंसान को अपनी लाइफ में चीजें नहीं मिलती हैं अपनी लाइफ में खालीपन लगता है तो वो दूसरे का दर्द समझ पाता है कि यार मैंने भी तो कुछ किया है ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने कुछ नहीं किया है वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है कल मैंने जो आ, रीडिंग की थी मैंने उसमें डिस्टाइन पार्टनर के बारे में आपको जो भी बातें बताई थी जिसका भी ये डाउट था आ, वो एकदम ही करेक्ट था गाइस ठीक है आप अपनी लाइफ में अपने वर्क से जो भी लोग आपको रेजोनेट नहीं करते हैं उनको आप अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं बट अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट किसी व्यक्ति के साथ उस तरीके का है ठीक है तो उसका ना उसके अंदर आपके इना वक्त से परिवर्तन आता है और वो आपकी लाइफ में एक सोलमेट की तरह आपके साथ रह सकता है इना वक्त से हीलिंग हो जाती है ठीक है तो जैसे कुछ लोग ऐसी मतलब जर्नी में है जिन्हें लगता है कि वो किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वो चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली बनी, बनी बनाई छोड़ दें किसी और के लिए तो यहां पर आपको एक चीज रखना एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये काम आपका नहीं है ये डिवाइन इंटरवेंशन से होता है जो भी होना होगा वो डिवाइन इंटरवेंशन से होता है आप अपनी मर्जी के साथ ये सारे काम नहीं कर सकते हैं ठीक है आप अपनी मर्जी के साथ ये सारे काम करें इट मीन्स कि आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हैं और उन लोगों से भागने की कोशिश कर रहे हैं जिनके साथ एक स्ट्रांग कर्मा में आप ऑलरेडी है जिनके लिए आपको ऑलरेडी काम करना है ठीक है वो आप जब बिना वो करते हैं ना तो आपकी फैमिली आपकी बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती है वो सब आपको बहुत सपोर्ट करने लगते हैं ठीक है अब उस इतनी सपोर्टिव फैमिली को छोड़कर आप ये सोचते हैं कि मैं क्योंकि मैं इस जर्नी में हूं तो मैं कहीं और भाग जाऊं ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है आपको इसको अध्यात्म लेवल पर आत्मी लेवल पर समझना होगा ठीक है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप ये सब छोड़ छाड़ के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागी किसी अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो फिर इसकी पनिशमेंट डिवाइन द्वारा दी जाती है जो भी चीजें होती हैं जर्नी में इसीलिए बोला गया है डिवाइनली गाइडेड ठीक है तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सबको इग्नोर नहीं कर सकते ठीक है और जो भी लिखा होगा ना मान लीजिए आपकी लाइफ में लिखी है कोई चीज़ पर्टिकुलर चीज तो फिर वो होती है तो वो डिवाइन इंटरवेंशन से होती है ठीक है आपको जस्ट अपना सरेंडर होकर इना वक्त करना होता है जो भी प्रॉब्लम सामने आती है उसे सरेंडर करना होता है आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कहीं पर भी चले जाए किसी की भी लाइफ में चले जाए किसी के भी रिश्ते में चले जाए ऐसा नहीं होता है ठीक है जो भी जिसके लिए डेस्टाइंड है वो उसके साथ आएगा ठीक है और हीलिंग से एक चीज और हो जाएगी कि आपके जब आप इना वर्क करते हैं तो आपके रोगों से इश्यूज हील हो जाते हैं लोग आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे आपके इन लॉज आपके आपके हस्बैंड या आपके वाइफ वो सब आपसे बहुत अच्छा बिहेवियर रखेंगे सब आपके साथ बहुत अच्छे हो जाएंगे और अगर आपके लिए वो जरूरत से ज्यादा ही टॉक्सिक हैं ठीक है उनके साथ आपकी चीजें हील नहीं हो सकती कट ऑफ ही होनी है तो वो भी डिवाइन इंटरवेंशन के टाइम कट ऑफ हो जाते हैं फिर वो सारे लोग कट ऑफ भी हो जाते हैं अगर वहां से आपका निकलना लिखा है तो निकल भी जाते हैं आप ठीक है वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं ठीक है लेकिन आप चीजों को इस तरीके से अगर करने की कोशिश करते हैं अपने जिद में अपने गुस्से में या अपनी ला, लालच में या किसी वासना में तो ये एक गलत कर्मा होता है ओके सो ये चीजें मुझे यहां पर नजर आ रही हैं अच्छा एक सवाल और था किसी का कि अगर हमारा पर्सन वापस आ रहा है हम नहीं माफ कर पा रहे हैं तो आप नहीं माफ कर पा रहे डेफिनेटली आप उसी के अकॉर्डिंग काम करने वाले हैं जो आपकी डेस्टिनी में है ठीक है कुछ लोग कहते हैं कि वो नहीं माफ कर पा रहे हैं तो छो के अगर आप नहीं माफ कर पा रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप ये देखिए कि आप क्या कर सकते हैं या फिर आप डिवाइन से पूछकर कोई भी आ, यू नो आ, काम कर सकते हैं ठीक है लेकिन आप यू you नो know, जो भी काम करें वो डिवाइन गाइडेंस से करें या फिर उनसे पूछ कर करें ठीक है लेकिन इस तरीके से नहीं कि आपको अपनी जिद चलानी है आपको अपना गुस्सा चलाना है और आप फिर कोई भी एक्शन ले रहे हैं फिर तो आप अपने पार्टनर की कैटेगरी में चले जाएंगे ओके सो ये चीजें हैं फिलहाल तो ये पर्सन मुझे हैंग नजर आ रहे हैं गाइज ठीक है ओके सो ये चीजें आप पर दिखाई दे रही है आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट्स करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू गाइज